हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। काफ़ी कुछ नया है इनके हाथ में। तो यूजुअल फिंगर्स से शुरू करेंगे। फिंगर्स इनकी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। यहाँ पर काफ़ी थिक हैं और स्ट्रेट हैं, यानी कह सकता हूँ स्टैमिना काफ़ी रहेगा इनके अंदर, एनर्जी काफ़ी रहेगी और काफ़ी फ्रेंडली नेचर शो कर रही है यहाँ इनकी फिंगर्स। और अगर इनकी मर्करी फिंगर को भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रांग है। नॉर्मली हाथों में मर्करी फिंगर जो होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन इनकी जो मर्करी फिंगर है यह लगभग यहाँ पर अपोलो के फर्स्ट फैलेंस तक पहुँच रही है। और अपोलो फिंगर की अगर आप लेंथ देखें यह भी काफ़ी अच्छी है और लगभग इस फर्स्ट जो फर्स्ट फैलेंज है, ऊपर वाला फैलेंज है, इसके मिडल से भी ऊपर तक जा रही है अपोलो फिंगर। तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर काफ़ी अच्छी रहेंगी। और उसके बाद लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात करें तो वह भी इनके अंदर काफ़ी नज़र आ रही हैं, यानी कि इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी पॉजिटिव शो हो रही हैं साथ में। तो चलिए फिंगर्स के बाद आगे बढ़ते हुए इनके माउंट्स को चेक करते हैं। माउंट्स हमें क्या क्या बता रहे हैं, माउंट से हमें क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं। थोड़ा सा क्लोजअप लेंगे इनके हैंड का, फिर उसे थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर थोड़ा क्लोजअप कर रहे हैं तो यहाँ बड़ी क्लियरली आप देख सकते हैं इनका जो माउंट है जुपिटर का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेस काफ़ी है, फिंगर बड़ी हाई सेट है यहाँ पर। तो एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, यहाँ जो फिंगर्स है वो काफ़ी हाई सेट है, यानी काफ़ी बड़ा एरिया बृहस्पति जी को यहाँ पर मिल रहा है। ट्राइरिडल जो इनके यहाँ पर है काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है मुझे, ट्राइरिडल बन रहा है। और अगर कहें इनका तो जो बिल्कुल सेंटर में ट्राइरिडल बन रहा है और काफ़ी अच्छा है, हाई सेट फिंगर है। और उसके बाद इनके हाथ में आप देख सकते हैं एक लाइन नज़र आ रही है बिल्कुल सीधी, और उसके साथ एक पैरेलल और लाइन है। ये दोनों सिंपथी की लाइंस हैं, काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं ऐसी सिंपथी की लाइंस। ऐसे व्यक्ति काफ़ी जो सिंपथेटिक होते हैं औरों के प्रति, तो काफ़ी अच्छा इनका एक तरह से रवैया रहता है, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, और कुछ इस तरह की इनकी नेचर यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बृहस्पति को मैं काफ़ी अच्छा मान रहा हूँ, इनके हाथ में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं बृहस्पति के इनको। और क्योंकि साथ साथ एक यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन भी ऊपर तक चल रही है, और प्रोग्रेस लाइन ऊपर तक जाने का मीनिंग यह होता है कि ऐसे व्यक्ति थ्रू आउट द लाइफ प्रोग्रेस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा इनके अंदर काफ़ी रहती है। इनके हाथ में एक चीज़ और नज़र आ रही है, वो है लूप ऑफ सीरियसनेस। यहाँ पर जो सेंटर में सैटर्न की और अपोलो की फिंगर के बीच में बन रहा है, थोड़ा आपको क्लोजअप करके दिखाना चाहूँगा लूप ऑफ सीरियसनेस किस तरह से नज़र आता है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर जो एरिया है, आपको एक बार मैं सर्कल करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो एरिया है एक कुछ यह वाला एरिया, इसमें जो लाइनें घूम रही हैं कुछ इस तरह से, आपको दिखाना चाहूँगा लगभग इस तरह से जो एक लूप बन रहा है, इसको पामिस्ट्री में लूप ऑफ सीरियसनेस कहा जाता है। तो थोड़ी सी सीरियस पर्सनैलिटी रह सकते हैं, यानी बहुत सोच समझकर बात करने वाली कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी इससे इनकी बनती है। ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते, ज़्यादा ओपन अप होना पसंद नहीं करेंगे लोगों के साथ, कुछ इस तरह का स्वभाव इस लूप के कारण इनका हो सकता है। और उसके बाद एक बहुत अच्छी फिश का चिन्ह मुझे नज़र आ रहा है, साथ साथ गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन भी हो रही है। यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से, अगर हम गर्डल ऑफ वीनस को देखें तो यहाँ से यहाँ तक कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है मुझे गर्डल ऑफ वीनस, जो कि पार्शियल है। यहाँ पर फुल गर्डल ऑफ वीनस नहीं है, पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस है, जिसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक नेगेटिव प्रभाव देता है ये। ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल होते हैं जिनके ऐसे गर्डल ऑफ वीनस बनता है, तो इस कारण इसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट भी नहीं है इसके, फिर भी इसको हम पॉजिटिव भी नहीं मानते, न्यूट्रल माना जाए तो भी इसमें कुछ गलत नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इनकी फिश जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कुछ इस तरह की, काफ़ी बड़ी फिश का चिन्ह बन रहा है यहाँ पे इनके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा चिन्ह है फिश का, और यह जो चिन्ह है यह शो करता है एक तरह से फेम। जिनके अपोलो के ऊपर कुछ इस तरह का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी फेमस होते देखे गए हैं किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी आर्ट की वजह से। इनकी जो लाइफ है, लाइफ में इन्हें फेम जरूर मिलता है, हो सकता है यो फेम थोड़ा सा लेट हो, क्योंकि यह फिश अपोलो पे टॉप पे बन रहा है, हो सकता है यह 30 के आसपास की एज में जाकर मिले या 25 के बाद मिले, लेकिन फेम ऐसे लोगों को जरूर मिलता है, ऐसा देखा गया है। जिनके हाथों में भी ऐसा फिश का चिन्ह इस माउंट के ऊपर आज तक मैंने देखा है, वो सारे फेमस किसी ना किसी बात को लेकर जरूर हुए हैं।
उसके बाद बात कर रहे हैं इनकी मैरिज लाइन की, तो थोड़ी सी डिक्लाइनिंग है मैरिज लाइन, यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, मुझे काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो इस तरह की डिक्लाइनिंग लाइन जो शो करती है कि ऐसे व्यक्तियों का जो पार्टनर होता है वह कुछ हद तक डोमिनेटिंग होता है, यानी थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव का पार्टनर हो सकता है इनका, कुछ इस तरह से इस लाइन से पता चल रहा है। और एक बड़ी क्लियर मरकरी लाइन चल रही है, यानी कि बहुत ही फोकस्ड एनर्जी रहेगी। मरकरी माउंट भी काफ़ी अच्छा है, फिंगर भी काफ़ी अच्छी है, तो बिजनेस माइंडेड ये हो सकते हैं और किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और उसमें बहुत कामयाब होने के चांसेस इनके बनते हैं। तो माउंट्स के बाद आगे लाइनों की तरफ बढ़ते हैं। लाइंस में सबसे पहले हार्ट की लाइन को देखेंगे। हार्ट की लाइन की जो बनावट है काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक दो जगह पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एरिया मैं अभी सर्कल करने जा रहा हूँ, एक बार ये बाकी की लाइंस को पहले एक बार मिटा दिया जाए तो आपको बहुत क्लियर नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैं सर्कल करने जा रहा हूँ थोड़ा सा एरिया, जिस एरिया में लाइफ की लाइन का फ्लो काफ़ी कम हो रहा है। आप इस लाइन, इस जगह पर, यहाँ पर मैंने अभी लाइन खींची है, इस जगह को आप ध्यान से देखें तो लाइन काफ़ी अच्छी चलती हुई आ रही है, लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पर जो एज बनती है, जो 60 प्लस की एज बनती है, तो घबराने वाली बात वैसे अभी कोई नहीं है। 60 प्लस की एज में जाकर इनको हेल्थ रिलेटेड, हार्ट की हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और आगे चलकर यह लाइन फिर से ठीक हो रही है तो उस प्रॉब्लम से ये निकल जाएंगे, तो कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद कुछ स्ट्रेस लाइंस भी मुझे नज़र आ रही हैं हार्ट की लाइन से नीचे की तरफ जाती हुई। जितनी लाइंस हार्ट की लाइन से नीचे की तरफ चलती हैं उतनी ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस व्यक्ति को मिलती है लाइफ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने अभी ड्रॉ की हैं, यह कुछ नीचे जाने वाली ऑफशूट्स हैं जो हार्ट की लाइन से निकल कर जा रहे हैं, तो इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी डिफरेंट एजेस में। यहाँ की एज जो हम अगर काउंट करें तो 25 प्लस जो पहली ऑफशूट नज़र आ रही है, दूसरी जो आ रही है यह 32 या 33 के आसपास की एज, उसके बाद की जो नज़र आ रही है ये 40 के आसपास की एज में इनको कुछ इमोशनल सेटबैक मिल सकता है। किसी न किसी कारण से, किसी भी प्रॉब्लम के कारण, फैमिली प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, वही चीज़ें यहाँ पर भी अगर हम क्लियर करें तो यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं इनके हाथ में। जो लाइंस ऊपर स्ट्रेस की दिखाई दे रही हैं, ऐसे ही कुछ लाइंस यहाँ पर, एक जो 40 के आसपास की लाइन है यह तो काफ़ी लंबी चल रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो यह एज यहाँ पर इनकी बनती है 25 के आसपास की बनती है, जिस एज में इनको थोड़ी सी इमोशनल प्रॉब्लम रह सकती है, कुछ इस तरह की लाइनों का स्ट्रक्चर है। अदरवाइज आगे की लाइफ काफ़ी अच्छी है, लेकिन बिगनिंग में इनके जो शुरू वाले साल हैं करियर के, करियर को लेकर कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण इनको थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है, लेकिन आगे चलकर लाइफ की लाइन काफ़ी अच्छी हो रही है। और जो हार्ट की लाइन है इनकी वह काफ़ी अच्छा कर्व ले रही है ऊपर की तरफ, यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह का कर्व जो है इनका, लगभग दोनों फिंगर्स के बीच में पहुँच रहा है, मरकरी फिंगर, सॉरी सैटर्न और जुपिटर फिंगर के बीच में जो है इनका कर्व है, वहाँ से जो कमेंसमेंट हो रही है हार्ट लाइन की। तो बताना चाहूँगा कि काफ़ी मिक्स्ड पर्सनैलिटी रहेगी, ना ही ज़्यादा इमोशनल ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, मिक्स टाइप पर्सनैलिटी रहेगी इनकी। उसके बाद देखते हैं आगे और लाइनों को, एक बार थोड़ा सा इसका क्लोजअप कम कर रहा हूँ ताकि लाइंस क्लियर दिखाई दें। तो आपको दिखाना चाहूँगा इनकी माइंड लाइन, बहुत शार्प माइंड नज़र आ रहा है मुझे इनके हाथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बिगिनिंग के ईयर्स हैं, थोड़े से एक तरह से कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्रिस क्रॉसेस नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद इस, अगर इस एरिया को हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे कटिंग लाइंस नज़र आ रही हैं, जैसे ये लाइंस हैं जो मंगल की तरफ से निकल कर आ रही हैं, और एक आइलैंड सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर भी बन रहा है। तो बिगिनिंग के ईयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे, लगभग 17 की एज तक यह प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, लेकिन आगे चलकर लाइन काफ़ी स्मूथ होती हुई नज़र आ रही है। उसी तरह से माइंड लाइन को अगर देखें आप, तो माइंड लाइन काफ़ी लंबी चल रही है और यहाँ तक, यानी कि हथेली के आर पार तक पहुँच रही है। तो कहना चाहूँगा बहुत ही शार्प माइंड, किसी भी तरह का कोई काम ये शुरू करें उसमें पूरा अपना एक तरह से फोकस कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी भी यही प्रॉमिस कर रहा है। बिजनेस करें कोई तो बहुत अच्छा होगा, अगर कोई अपनी जॉब करते हैं या कोई भी अपना कुछ ऐसा करियर चूज़ करते हैं जो अलग सा है, उसमें भी ये अपोलो के कारण काफ़ी फेमस होंगे। अपोलो की फिश जो बन रही है यह इनको एक प्रॉमिस कर रही है कि आगे चलकर फेम भी इनको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम माइंड की लाइन को और अच्छे से एक बार थोड़ा सा पास से देखें, तो
थोड़ा सा आगे चलकर माइंड की लाइन की जो है कह सकते हैं कि थोड़ी सी एनर्जी कम हुई है, लेकिन वो ओल्ड एज में जाकर है। तो ओल्ड एज में तो नॉर्मल है, हर व्यक्ति का थोड़ा सा माइंड जो होता है वो धीरे धीरे एक तरह से थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो 50-55 की एज तक इनकी माइंड की लाइन है वो काफ़ी अच्छी है। तो बताना चाहूँगा कि माइंड से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक दो स्ट्रेस लाइंस जो मैंने बताई थी उन्हीं के कारण कोई दिक्कत हो सकती है लाइफ में, अदरवाइज वैसे माइंड की लाइन में मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इनके जो हाथ की लाइफ लाइन है उसको देखते हैं, उसके बाद जो इनकी जॉब लाइन है उसको देखते हैं क्या बता रही है। तो यहाँ पर एक बार इस सभी निशानों को मिटा रहे हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियरली यहाँ से देखा जा सके। तो यहाँ से बड़ी क्लियर एक लाइन नज़र आ रही है जो सैटर्न की तरफ चल रही है, काफ़ी अच्छी लाइन है, और मून एरिया से ऊपर की तरफ जा रही है। यानी मून से कोई भी लाइन जो ऊपर की तरफ चलती है उसको मैं बहुत पॉजिटिव मानता हूँ, और यह लाइन इनको बहुत यात्राएं करवाएगी लाइफ में। और ऐसी ही एक यात्रा रेखा यहाँ पर भी नज़र आ रही है, और एक मरकरी की लाइन यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है, तो इसको हम मरकरी लाइन कहेंगे। और यह जो ट्रैवल लाइंस हैं और यह मून लाइंस हैं, ये दोनों की दोनों वो वाली लाइंस हैं, तो लगभग इनको ट्रैवलिंग काफ़ी करनी पड़ेगी। मून का माउंट काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, क्योंकि मून के माउंट के ऊपर बन रहा ट्राई रिडल मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में इनका ट्राई रिडल बन रहा है यहाँ पर, जिसको हम जो किसी भी माउंट के सेंटर के आसपास बने तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर कुछ इस तरह का ट्राई रिडल की फॉर्मेशन उनके हाथ में होती हुई नज़र आ रही है। तो बताना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा मून स्ट्रांग है इनका, मार्स का माउंट भी काफ़ी स्ट्रांग है, मून का भी स्ट्रांग है, तो काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी रहेगी। थोड़ा गुस्सा भी स्वभाव में रह सकता है। अदरवाइज अगर हम लाइफ लाइन को पूरी तरह से एनालिसिस करते हैं तो लाइफ जो होगी इनकी, अगर यहाँ से हम पूरी लाइफ को एक बार एनालिसिस करके इनकी एक लाइफ निकालें कि कितनी लंबी लाइफ होगी, तो लगभग 75 से 80 वर्ष यानी 80 की एज में इनकी यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। लगभग इतनी लाइफ ये जिएंगे, और लाइफ के जो शुरू वाले इयर्स हैं वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक थे, और उसके बाद जो लाइफ का फ्लो है वो लगभग यहाँ तक काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो यहाँ तक लाइफ लाइन का फ्लो अगर यहाँ तक हम मेजरमेंट करते हैं तो लगभग 40 वर्ष की आयु तक आगे की लाइफ अच्छी रहेगी। थोड़े से स्ट्रेस लाइंस काट रही हैं, लेकिन कोई फिजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी होने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन आगे यहाँ पर थोड़ा सा लाइफ लाइन का फ्लो ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से हार्ट की लाइन में कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहे थे, कुछ इसी तरह की लाइफ लाइन में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, लेकिन आगे चलकर थोड़ा सा लाइफ का जो फ्लो है कम है। तो तीनों ही लाइनों में थोड़ा थोड़ा फ्लो एंडिंग में जाकर कम हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्तिष्क की लाइन में, और यहाँ पर लास्ट जो एरिया था यहाँ पर हार्ट की लाइन, इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी। माइंड की लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और लाइफ की लाइन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक मुझे दिखाई दे रही है। तो वैसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको लगभग 50 के बाद कुछ ना कुछ हो सकती है। तो अगर अभी से यह अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हाथ के बारे में। एक बार इनके थंब को एक बार अच्छी तरह चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि लगभग मैंने सारे साइंस इसमें कवर कर दिए हैं। थंब के ऊपर मुझे काफ़ी अच्छा यव का चिन्ह भी नज़र आ रहा है इनके हाथ में, तो यह भी एक पॉजिटिव साइन है, धन लाभ देने वाला साइन है, बहुत ही अच्छा साइन है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी अच्छा यव का चिन्ह, तो काफ़ी सारे पॉजिटिव चिन्ह हमने इनके हाथ में देखे। एक काफ़ी बड़ा फिश का चिन्ह, सीधी लाइन एक मरकरी के ऊपर, सिंपथी की लाइंस और प्रोग्रेस की लाइन, और उसके बाद मून से चलने वाली काफ़ी अच्छी ट्रैवल की लाइन। ये काफ़ी कुछ हमने नया देखा, और कुछ थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इशू देखा जो इनकी लाइंस की, जो लाइंस को थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट कर रहा है, वो कुछ देखने को मिले इनके हाथ में। तो काफ़ी नई चीज़ें इनके हाथ में हमें सीखने को मिली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह नई चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे से लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। और मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।